मेरा ये दूसरा इंटरनेशनल इवेंट होगा, लेकिन पहला ऐसा होगा जिसमें हम लोग स्क्रैच से सब कुछ करते हैं। यहाँ पे कुछ अवेलेबल था नहीं, पूरा स्क्रैच से हम लोगों ने बनाया। बॉयज टू वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है हमारा कश्मीर व्लॉग का पहला दिन। अभी जा रहे हैं SKICC, वहाँ पे अपना सेटअप दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं मिनिस्टर के बेटे की शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पूरा सेटअप क्या होगा, कैसे होती है, क्या क्या लगता है, क्या बैक एंड होता है, कैसा सब कुछ होता है, आज तुम लोगों को वो दिखाऊँगा। अभी हम लोग चल रहे हैं SKICC। मेरे को 1 बजे बुलाया था, बट मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि इट्स बेटर टू गो बिफोर टाइम देन टू बी लेट। तो अभी फ़िलहाल साइड में देखो डल लेक का व्यू दोबारा दिखा रहा हूँ मैं। एक व्लॉग ऑलरेडी आ चुका है कश्मीर का, बट वो घूमने वाला था, अभी काम वाला हो गया। ये शबीर भाई हैं, शबीर भाई देखो, शबीर भाई हेलो बोल रहे हैं सबको। चलो तो अभी SKICC जाएंगे, अपना काम देखेंगे, अपने घर का क्या काम बोलता है। वैसे तो आई ऑलरेडी हैव अ जॉब, आई विल टेल यू इन अ व्हाइल व्हाट इज इट। और बस फिलहाल के लिए अभी इतना ही, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए है भी नहीं। वहाँ पे जाके देखते सेटअप कितना हुआ। कल पहला दिन था मेरा जब मैं आया था, कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि आई वॉज फकिंग टायर्ड। मैं कल आने से पहले, उसे एक दिन पहले फ्राइडे को, कल संडे था ना, हाँ सॉरी सैटरडे को मेरे को एक काम दिया था इसी वेडिंग के लिए, वो वहाँ पे आगे जाके बताऊँगा। तो पूरा दिन मेरा उसी में निकल गया। पहले गए मयूर विहार से काम नहीं बना तो हमें जाना पड़ा फरीदाबाद से, फिर हमें जाना पड़ा फतेहपुर बेरी से वापस आया। फिर मैं रात को 10:30 या 11 बजे तक वापस आया मैं। 11 बजे जब वापस आया तो मैंने लिया थोड़ा आधा घंटा 45 मिनट का रेस्ट, थोड़ी डाइट वाइट ली, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद पूरे दिन कुछ खाया नहीं, और फिर रात को आके मैंने खाया। तो खाना वाना खाया, उसके बाद पैकिंग करी, फिर थोड़ा लेट नींद आई क्योंकि थका तो हुआ था, बट पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी एक बार लेट की, क्योंकि एक्साइटमेंट हो रही थी जाने की। तो सोया, फिर मैं लेट सोया, उसके बाद जल्दी फ्लाइट थी सुबह, तो जल्दी उठ गया, फ्लाइट में थोड़ा सो पाया। उसके बाद कल पूरा दिन यहाँ पे आके SKICC में ही था। वहाँ पे है ना, वही है ना SKICC जो हरी वाली है, वो हट बनी हुई है, देखो वो है हमारी वेडिंग डेस्टिनेशन। ये हट्स दिख रही हैं तुम्हें, वो है SKICC अपना पूरा, वहाँ पे वो डेस्टिनेशन है। बहुत बहुत सुंदर सेटअप होने वाला है। तो हाँ, तो हम वहाँ जा रहे हैं, रोड्स भी काफ़ी क्लियर हैं, सब कुछ सनी है, मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा मौसम है। पिछली बार जब मैं आया था तो इट वॉज़ रेनिंग एंड इट वॉज कोल्ड, मेरे को अच्छा तो लगा लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अभी आप घूम सकते हो, इट्स वेरी प्लेजेंट, सब कुछ सही है, लोग वो आ रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी दिख रहे हैं। मेरे को पिछली बार टूरिस्ट का मौसम था लेकिन लोग कम थे, इस बार ही मेरे को काफ़ी दिख रहे हैं, हर स्टेट से लोग दिख रहे हैं, स्टेट की गाड़ी दिख रही है यहाँ पर। और शबीर भाई बहुत ओवरटेक कर रहे हैं, मेरे को मेरी जान निकलती है सब करते हुए, बट ठीक है, ये एक्सपीरियंस है इनको जो भी है। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, आगे जाके वहाँ पर अपना सेटअप दिखाते हैं आपको। उधर जो थोड़ा बहुत सेटअप तुम्हें होता है दिख रहा है, अपना सेटअप हो रहा है यहाँ पर। वहाँ बंदा क्या कहते हैं चादर वादर लगा रहे ड्रेस वेस पे। आ गए हम SKICC, खोलिए भाई साहब, चलो। सो इट टर्न्स आउट दैट आई कैन नॉट टेक द पिक्चर्स इन द वीडियो ऑफ द होटल, सिर्फ मेरे को अपने सेटअप वेटअप की पिक्चर्स लेनी है, तो ठीक है, दैट इज़ फाइन। इनकी भी सिक्योरिटी इशू है थोड़ी, तो मेरे को कंसिडरेट होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने स्टेट में नहीं हूँ, मैं किसी और के स्टेट में हूँ, किसी और में नहीं, ये भी अपना ही स्टेट है, बट ठीक है, इट्स नॉट माई होम टाउन। ये अपना सेटअप है भाई, देखो मेरा ये दूसरा इंटरनेशनल इवेंट होगा, लेकिन पहला ऐसा होगा जिसमें हम लोग स्क्रैच से सब कुछ करते हैं। यहाँ पे कुछ अवेलेबल था नहीं, पूरा स्क्रैच से हम लोगों ने बनाया है। एंड इट्स गोना बी लुकिंग फकिंग प्रिटी ब्रो। उस भाषा और समझ में आ जाती है ना कश्मीरी, तो क्या ये बात होती। तो भाई जब अभी साइट पे पहुंचे ही थे कि मेरे को एक छोटा सा काम पकड़ा दिया है, मेरे को जाना है डोगरा सर के साथ थोड़ी शॉपिंग करनी, उनको पता ही क्या है, और सारा माल मटाल पैसे पासे इस बैग में है मेरे पास। तो चलो आओ कश्मीर में शॉपिंग करने चलते हैं। सर हाय बोल दो ब्लॉग के लिए। ये है हमारे हसमुख डोगरा सर। अभी हम मार्केट से लेने जा रहे हैं सब बास्केट्स, उसके बाद थोड़ी फैब्रिक। ये कहाँ लगेंगी सर?
लाल चौक के आसपास मिल जाएंगी। अंदर होटल के जा रहे हैं, यहाँ पे मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये लोग टोक देंगे, कट कर रहा हूँ बाय। हाँ जी, तो अब अपनी कैब छोड़ के हम दूसरी कैब में आ चुके हैं, हमें जाना है लाल चौक। लाल चौक से हम करेंगे शॉपिंग। शॉपिंग में हमें क्या लेना है, हमें लेनी है बास्केट्स, वुडन बास्केट्स, और उसके ऊपर ढकने के लिए कपड़ा ना, उसके लिए कपड़ा और चिकन, और चिकन। तो यहाँ से आके हम लोग आते ही वापस जा रहे हैं, वहाँ से लेता हुआ आ सकता था लेकिन मेरे को काम पे लगा दिया, तो कोई नहीं, यही ऐसे ही काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लाल चौक चलते हैं। लाल चौक में आपको दिखाता हूँ कैसा सुंदर सा एरिया है, कैसा दिखाते हैं मूवीज़ में, जैसे उसमें दिखाया था, कौन सी थी वो, शायद कपूर की मूवी हैदर, और एक कोई मूवी और में भी था, तो उसमें तो चलो बहुत बारी देख लिया, अब सामने से जाके देखेंगे। पिछली बार मेरा लाल चौक भी देखना रह गया था क्योंकि जल्दी जल्दी में थे, लाल चौक होटल से बहुत पास था, तो सोचा था कि कभी ऐसे घूमते फिरते शाम को चलते फिरते देख लेंगे, और वो कभी हुआ ही नहीं। तो अभी भगवान दोबारा मौका दे रहे हैं कि जा बेटा जा, अपना लाल चौक पे वीडियो बना ले, तो वही करने जा रहे हैं। ये भाई साहब साइड में देखो, ये है डल लेक। आज इस बारी सूरज भी काफ़ी है, पिछली बार इतना था नहीं, तो काफ़ी दिख रहा है, मतलब तुम लोगों को भी काफ़ी दिख पाएगा। रुको, अच्छा वो जो दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे टॉप ऑफ द माउंटेन, वो है हरी पैलेस। कौन था यहाँ पे, राजा हरी सिंह का है, राजा हरी सिंह का पैलेस था। काफ़ी दूर है, जाके देखना है वो भी, मतलब डेस्टिनेशन है वो, टूरिस्ट जा सकते हैं। चलो ये काम खत्म कर लें पहले, पूरी शादी निपटा लें, फिर देखेंगे हरी सिंह लेते कैसे थे। क्लीनिनेस काफ़ी है, रोड्स अच्छी बनी हुई है, मेंटेन्ड है, मतलब हवा साफ है, पानी बहुत अच्छा है। पिछली वाले ब्लॉग में मैंने सेम चीज़ बोली थी, तो कल सोचा था कि आज शैम्पू कर लूँगा, लेकिन आज जब सुबह नहा के हटा तो बाल ऑलरेडी सिल्की हो रहे थे, शैम्पू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तभी यहाँ पे बालों की कंडीशन लोगों की इतनी ज़्यादा अच्छी है। बास्केट लेनी है ब्रो, ऐसी बास्केट आएगी टोकरी, वहाँ से पीछे से लास्ट टाइम जब आया था तो KFC हो रहा, KFC से खाया था मैंने 2-3 बार, ठीक था। Generally, when we buy a chicken in Delhi, it's always like 800 grams, 900 grams. But if you think that you can buy this same chicken 800 or 900 grams from in Srinagar, which is impossible, because chicken starts from 1.25 till 2 kg. आप सर ये भी तो बता रहे थे कल कि लैम या मटन यहाँ पे अलग सीन है। लैम लाइक when you buy lamb in Delhi, it's generally 16 to 18 pieces. But when you buy it from Srinagar, it's 10 pieces. Because they have a big chunks of lamb. Reason, they don't prefer small pieces of lamb. And lots of fat in it, lots of fat. We always remove the fat, but they love to eat fat along with us. They consume everything of the animal, they don't waste anything. Yeah, they don't waste a single thing from them. That is also good, man. If you put a janwar maar rahe ho, to sachcha se waste karo, sab kuch khao. Fat se to tasty banta hai. Taste banta hai. Oil ki consistency kam ho jati hai, fir automatically oil, you have to put less oil. Fat melt ho jata hai. Melt ho jata hai. Garmi se. Chalo. But bad for health. Bad for health. But it will make your dish tasty. Haan, tasty. Tasty to sachcha hai. Yahan pe logon ko. यहाँ पे लोगों की हेल्थ वैसे ही बहुत अच्छी है, चलते हैं, लंबा चलते हैं, यहाँ पे जनरली जितने लोग मोटे ही देखे, खाना ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा ही खाते होंगे, हेल्दी बहुत है लोग, हेल्दी बहुत है, दैट इज द पॉइंट। तो हम अगर हम लोग जैसे मैं खा लें, सर आप खा लें, तो हमारा तो ऑब्वियसली पेट खराब हो जाएगा क्योंकि फैट बहुत ज्यादा कंटेंट होगा। अगर यहाँ का कोई लोकल खाएगा तो वो खा भी जाएगा, डकार भी रहेगा, उसमें बहुत अच्छे से उठेगा उन लोगों का। हम हमारा वाला मटन चिकन अच्छा नहीं लगेगा, रीजन क्योंकि हम पूरा क्रीम और फैट वगैरह निकलवा के खाते हैं, व्हिच दे डोंट लाइक इट। तो ऑब्वियसली सर फैट से टेस्ट ज़्यादा बेटर जितना है, क्योंकि उसका अपना ही टेस्ट होता है, जानवर का ही टेस्ट होता है वो। तो ये था एक क्विक बाइट आप लोगों के लिए, हम कल डिस्कस कर रहे थे, कल रिकॉर्ड करना रह गया था, आज सर ने दोबारा पॉइंट उठा दिया, तो बेटर कि मैं अभी रिकॉर्ड कर लूँ। तो भाई हम लोग दुकान पे पहुंच तो चुके हैं, ये रही दुकान हमारे पास, टोकरी वोकरी हमें टोकरी भी मिल गई यहाँ पे, अच्छी टोकरियाँ हैं इसके पास, लेकिन बंदा है नहीं, बंदा अपनी नमाज पढ़ने गया हुआ है, कोई नहीं, विल वेट। अगर बंदा नहीं आ पाता तो हम लाल चौक जाके वहाँ पे देखेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे। मेरे को एक ये समझ नहीं आती बात कि जैसे नोएडा के कुत्ते हैं वो नॉर्मल हिंदी बोलते होंगे, तो जो कश्मीर के कुत्ते हैं, ये जो सारे सड़क पे लेटे हैं, आगे वो लेटा हुआ है, तो ये कश्मीरी में बात करते होंगे।
और भाई कैसे हो? I don't know bro. चलो अपना तो आ गया, बंदा आ गया, बंदा नहीं आया, हमें कहीं और जाना है. सर आगे निकल गए हैं, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं. वेयर हैज ही गॉन? भाई अब हम लोग लाल चौक में पहुंच चुके हैं. वो सामने वहाँ पे आदूज है, पिछली बार वहाँ पे खाया था मैंने. मेरे को तो उसका खाना ठीक ठाक ही लगा, पता नहीं लोगों को क्यों पसंद है इतना. क्यों रियाज भाई, आदूज का अच्छा है? अच्छा नहीं खाया तो तुमने मुगल दरबार का तो खाया है, उसका अच्छा लगा? लजीज का वैसे बता रहे थे. तो भाई पिछली बार भी जब आया था मैंने सिर्फ लजीज से खाया था, इस बार भी जब आया हूँ मैंने कल लजीज से खाया है. तो लजीज तो मेरे होटल के पास भी है, मेरे को ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है. आदूज मेरे को ठीक ठाक लगा क्योंकि लॉगर्स की वजह से नाम बना हुआ है. अपने को तो खाना पसंद है, नाम का क्या करोगे तुम? चांदी की कटोरी में गंदा सा खाना दोगे तो कटोरी की वैल्यू क्यों करेगा कोई? खाने की वैल्यू करेगा ना. यहाँ पे लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक है, गाड़ियों का, उसके अलॉय बड़े कराने का, क्योंकि शहर छोटा सा है तो ये सब जैसे दिल्ली में होते हैं. दिल्ली में भी शौक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, दिल्ली में भी ऐसी गाड़ियाँ दिखती है, लेकिन ये शहर थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे हर 10-15 मिनट के बाद एक ऐसी गाड़ी दिख जाती है जो थोड़ी मॉडिफाई हो रही है. दिल्ली में थोड़ा रेयर होता है क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो पूरे दिन में मुश्किल से 2-3 दिन में एक गाड़ी दिखेगी. लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ 77 में, वहाँ पे तो सारे मस्टैंग, पोलो जीटी, ये वो, पोर्शा, फरारीज, ये सब आती रहती हैं. वहाँ पे एक्चुअली से 77-78 में बहुत पैसे वैसे लोग आ गए हैं, वहाँ पे मस्टैंग वगैरह दिखती रहती हैं. मस्टैंग और आपकी मॉडिफाइड पोलो जीटी, नॉर्मल पोलो नहीं सर, 2-door पोलो जीटी, बड़े इंजन वाली. और एक बार ही मेरे को पोर्शा भी दिखी थी, बेंटले और रोल्स रॉयस भी थी वहाँ पे, क्योंकि सारे सेक्टर शायद बन रहे हैं तो वहाँ पे बिल्डर्स वगैरह आ रहे होंगे. लाल चौक पहुँच गए. पिछली बार अभी जब डोगरा सर उतरे थे तो मेरे पास उनका नंबर नहीं था, मेरे को गाड़ी के पास खड़ा होना था, तो मेरे को आसपास देखना था क्या है, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रह पाया. तो अभी मैं डोगरा सर के साथ ही रहूँगा, पहले हम अपना काम निपटाएंगे, फिर आसपास थोड़ा सा देख लेंगे क्या है, कैसा एरिया है. लाल चौक मेरा देखना रह गया था, एक्सप्लोर करना रह गया था क्योंकि पिछली बार. तो भाई हम लाल चौक के मेन एरिया में पहुँच चुके हैं, घंटाघर से बोलते हैं. घंटाघर क्यों बोलते हैं भैया ऐसे? क्योंकि सामने घंटा है, घड़ी है, ये बजती है क्या? तभी से घंटा बजता होगा ना इसका, तभी से बोलते हैं घंटाघर. ये मेन एरिया हो गया आपका, यहाँ पे हैदर शूट हुई थी, यहीं पे शायद कपूर ने अपना वो सब स्पीच वीच दी थी. खिड़की से बाहर निकलवा के दिखाते हैं आपको. लग नहीं रहा, वो देखो CRPF की वैन खड़ी है, वैन भी नहीं है भाई, वो प्रॉपर एक वॉरलॉर्ड टाइप का ट्रक लग रहा है मुझे, ये मूवीज में दिखता है. छोटी गाड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे क्योंकि एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है, मॉडिफिकेशन वगैरह सब कुछ बहुत होती है. आर्किटेक्चर देखो भाई सुंदर है यार, ये कितना पुराना बना हुआ होगा ये सारा आर्किटेक्चर, ये दीवार, ये बिल्डिंग. हाँ जी भाई, तो अभी हम लोग श्रीनगर की मेन मार्केट लाल चौक के अंदर एक गलियों में घुस रहे हैं, एक्सप्लोर करेंगे. ये देखो भाई साहब, ये एरिया अपना असली श्रीनगर, असली कश्मीर ऐसा है. जो बाहर बाहर से है वो तो यार टूरिस्ट वगैरह के लिए है, लेकिन असली जो लोकल लोग रहते हैं वो यहीं से ऐसे मार्केट में आएंगे, शॉपिंग करेंगे. ज्वेलर्स बहुत हैं यहाँ पे, बहुत सारे ज्वेलर्स हैं सर यहाँ पे, तो ज्वेलरी 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 यहाँ पे हमें मिल जाएगा. टोकरी अब कवर चाहिए, टोकरियाँ हो गई. तो उसका टोकरियों के कपड़े इन्हें आए हैं ताकि उसमें सामान डाल सके, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे. तो अभी वही इस मार्केट में पूरा ढूंढ रहे हैं. लीड सर ने ले रखी है, ब्लॉग मैं बना रहा हूँ. सर का बैंक साथ में चल रहा है जो कि मैं हूँ. व्हाट इज इट, लुच्ची हलवा, ये के इसे लुच्ची बोलते हैं, दैट इज हलवा. इसके ऊपर रखना है, अच्छा ट्राई करना है? चलो ये ट्राई कर लेते हैं भाई. ये पीछे अपना कढ़ाई में फ्राई होगा भाई, हमें हलवा ट्राई कराना है रोटी में. लुच्ची, लुच्ची हलवा ट्राई करके बताते हैं. थैंक यू. कितने का भैया? भाई हमें मिले हैं, इन्होंने हमें हलवा दिया है, लुच्ची हलवा. भाई पहले पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन सही बात नहीं है, पेमेंट करनी जरूरी है, भाई भी बैठा अपना काम करने के लिए. द पीपल आर वेरी नाइस ओवर हियर. ये रे भाई साहब, पहले मैं इसे ट्राई करता हूँ,
फिर तुम लोगों को आगे रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। हाँ तो भाई हलवा हलवा लुच्ची हलवा ट्राई करा, बहुत अच्छा लगा। सेम तरीका है बस, जैसे हम लोग आटे की पूरी बनाते हैं और सूजी का हलवा बनता है यहाँ पे। ये हलवा किस चीज़ का होता है? सूजी का ही होता है। हलवा सूजी का होता है, लेकिन जो उनकी रोटी होती है वो मैदे की होती है। सो दिस मार्केट इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट वन। लोकल्स अपने सारे यहीं पे ज़्यादा दिखेंगे। जो हम जिस मार्केट में तुम्हें लेके, मतलब जो नॉर्मल मार्केट होते हैं जो आगे आगे दिखते हैं, वो टूरिस्ट के लिए होते हैं। इनका सारा जो यहाँ पे लोग खाना खाते हैं जनरली, वो सब इन्हीं मार्केट्स में दिखने वाला है। और आई डोंट थिंक सो कहीं पे तुम्हें जेनेरिक कश्मीर का एक्सपीरियंस मिलेगा। एकदम बॉटम लाइन एक्सपीरियंस तुम्हें यहीं मिल पाएगा। यहीं से शुरू है भाई, यहीं से लोकल बंदा अपना सामान खरीदता है। तो व्हाई नॉट जस्ट एक्सप्लोर द मार्केट। हमें कपड़ा ही लेना है ना सर उसके, अभी उसके बाद उसमें कुछ रखने के लिए भी चाहिए सर? यही है दोनों चीज़ें। तो भाई एग्जैक्टली हमें जो ढूंढना है वो है मेज पोश, उस टोकरी के लिए कपड़ा। मेज पोश दिखाइए कैसा होते हैं। अच्छा पता नहीं, मैं तो ये वेलवेट है। ये मटेरियल क्या है? देखिए सर कौन लगा रहा तो वो उसी में उसमें लगा होगा। कैसे लेना है? एकदम चमकीला चमकीला लेना है, सटल लेना है? और ऑप्शन दिखाइए भैया। हाँ इसी में, मतलब थोड़ा सटल हो, ज्यादा चमकीला ना हो, बेसिक थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है ना, ज्यादा चमकीला नहीं, ऐसे ही आएगा सर। ये सही है, सटल नहीं लग रहा सर, काफी एकदम फ्लैशी है। मेरे को डल सा लग रहा है ये इसके साथ, दूसरा कलर देखते हैं कोई। हरा लग रहा है, सही लग रहा है, मरून भी सही लग रहा है। तो भाई ये दूसरी दुकान में आए हम मेज पोश देखने। सामने वाली दुकान से हमें इधर भेजा गया, अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो वील गो बैक बाय इट फ्रॉम हिम। बास्केट्स ले ली हैं, बास्केट्स मिल चुकी हैं, मेज पोश भी मिल गया है। मेज पोश या कवर, जो भी कुछ बोल लो, जैसे बोलना, दोनों चीज़ें मिल गई हैं। नाउ वी आर हेडिंग बैक द वेन्यू। सर आगे आगे चल रहे हैं, सर हैज़ नो चिल, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ बिकॉज आई एम हिज बैंक। और बस यही मार्केट, मतलब दिस इज द जेनेरिक लोकल मार्केट जहाँ पे सारे लोग देखेंगे आपको। एक बारी कंस्ट्रक्शन देखो, बुला लो सर रियाज को, या भी कुछ और लेना है? ये भाई साहब बर्गर चौमिन वोमिन बना रहे हैं अपनी। यहाँ पे जूते चप्पल बिक रहे हैं, कपड़े, चड्डी बनियान, न्यू एशियन ऑर्नामेंट्स, काजी ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, श्रीनगर ऑर्नामेंट्स, शरार, शारजा ऑर्नामेंट। यहीं आएगा, मैं थोड़ा आसपास देख लूँ, ऊपर यहीं आ जाऊंगा। मतलब कितने सिंपल और बेसिक सोबर लोग हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम बेसिक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, एक्स्ट्रा नहीं लेना, एक्स्ट्रा नहीं खाना, एकदम लिमिटेड टोटल। नाइस यार, दिस इज फन जी। आईफोन वहाँ से बाद में आपका दोबारा मेन रोड शुरू हो जाती है, वहाँ से वो देखिए वहाँ पे दोबारा। लेकिन हाँ मार्केट इज प्रीटी, अच्छा लगा। मतलब थोड़ा पुराने, यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद से आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई नई बिल्डिंग आई है इसके बाद। क्या हो गया सर? अच्छा देख रहे हैं मार्केट, देख रहे हैं आप लोग की। हाँ बहुत अच्छी है, देखिए सर। हाँ तो वही देख रहे हैं, क्या करेंगे, ऐसे ही है थोड़ा बहुत। क्या फोन या ये माइक? फोन। डेढ़ लाख 1.5। अच्छी जगह है, सुंदर जगह है आपकी। आप कहाँ के रहते? दिल्ली। कश्मीर के? नहीं नहीं घूमने आए हैं। ये अंदर जाके और छोटा सा बेसिक, चलो देख लिया। ज्वेलरी तो हमें खरीदनी नहीं है ना, हमें कुछ और लेना है। तो मैं अपने ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ। सर वहाँ बेचारे धूप में खड़े हैं। अच्छा वो रहे, छोटा सा सर दिख रहा होगा, सर का सर दिख रहा होगा। ओ भाई धूप है यहाँ पे, दिल्ली नोएडा जैसी धूप नहीं है। देखो जैसे दिल्ली नोएडा में तुम्हें धूप लगेगी ना, तो वो ऑल ओवर लगेगी, मतलब काटने वाली धूप नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली ऐसे काटने वाली, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तुम पर।
भाई ये है मेन शादी का अपना, ये अभी रेडी नहीं हुआ लेकिन जब रेडी होगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। वहाँ पे LED आ गई अपनी, सारा सेपरेशन सेग्रीगेशन हो चुका है, सब कुछ लग रहा है, पेड़ आ गया, पेड़ को सजा लिया। हाँ काफ़ी क्रेजी फंक्शन, इस लेवल का फंक्शन भाई साहब कर ली सर बातचीत सब लोगों से रुकते रुकते चल रही है। यहाँ पे सर ये जो था अपना एरिया कौन सा फंक्शन था होगा, इसमें मेन है ना वेडिंग के लिए, तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या होगा सर? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या संगीत, यहाँ पे दस शगन सेरेमनी संगीत, यहाँ पे लेंगे फेरे, यहाँ पे होंगे फेरे, उसके बाद ये जो बन रहा है अपना यहाँ पे ये क्या होगा इसमें? कल के फंक्शन में क्या है सर? कॉकटेल, मॉकटेल हमें मिल जाए, कॉकटेल का क्या करेंगे? ये है कॉकटेल का एरिया, और भाई और वो अपना मेन टेबल है जहाँ पे सारी प्लानिंग प्रोग्रामिंग हो रही है, वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए देख रहे हो, ये अपना मेन टेबल है। चलो भाई काफ़ी काम करा लिया, थोड़ा बैठते हैं 5 मिनट। चलो भाई 5 मिनट बैठी रहेगी, एक और काम बता दिया, अब हमें जाना है मिस्टर मैनी जी के साथ होटल ताज, ताज है या ललित है या जो भी है, लीला ताज ललित, वहाँ पे जानी है, वहाँ पे जाके थोड़ा अपना पेमेंट वेमेंट कराएंगे, और लोगों को देख रहे हैं लोग लोग बनाते हैं, थोड़ा चूतिया लग रहा मैं, वो ठीक है काम है काम है, इतना बड़ा नहीं है अभी, वो भी नहीं हुआ है, बंदा पूछता है मोनेटाइज हुआ है बताओ, पीपल नो। तो खड़े मैनी जी, उनके साथ जाएंगे पेमेंट करा के वापस आएंगे, चलो मिलते हैं वापस जाके। हाँ जी बॉयज, तो एक फंक्शन की सेटिंग ऑलरेडी डन हो चुकी है, तो मैं अपना पूरा का पूरा सेटअप दिखा रहा हूँ इस फंक्शन के लिए, साउंड टेस्टिंग हो रही है इस टाइम पर भाई साहब, कितना ज़्यादा सुंदर है। हाँ जी, तो अभी हमें एक छोटा सा काम दिया हुआ है, हमें लेके आने हैं 15 KFC के बर्गर चिकन, और उसके बाद 5 वेज, और बर्गर तो मैं भी खा लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कहीं से पहले उबले हुए अंडे मिल जाए, सुबह 6 अंडे हुए थे, अभी कहीं से 8 अंडे मिल जाए, उसके बाद देखेंगे। चलो पहले अंडे मिल जाए फिर करता हूँ बात, बाय। हाँ भाई, तो जिस काम के लिए हमें भेजा था वो काम पूरा हो चुका है, लेकिन मेरा जो काम था मुझे अंडे ढूंढने थे वो मेरे को मिले नहीं, तो अब जाएंगे होटल जाके होटल वाले को बोलेंगे भैया प्लीज़ अंडे भिजवा दो ताकि प्रोटीन पूरा हो जाए, नहीं तो हम सिकुड़ जाएंगे, पतले हो जाएंगे और तो आ जाएगी, क्योंकि बाहर का थोड़ा बहुत खाना आजकल हो गया है, अगर अंडे नहीं मिले, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि एक तंदूरी भी खाई लूँगा, क्योंकि प्रोटीन तो कुछ ना कुछ करके पूरा करना ही है, और सुबह मैंने खाए थे 6 अंडे और 4 टोस्ट, उसके बाद से मैंने कुछ खाया नहीं है ज़्यादा, पानी ही पी रहा हूँ, वाटर इंटेक तो पूरा कर ही रहा हूँ, वो तो ज़रूरी है ही, सॉल्ट वॉल्ट सब जा रहा है। अभी थोड़ा सोच रहा था अभी KFC में मैंने थोड़ा सा 2 पीस चिकन खा लिए थे और एक छोटा बर्गर खा लिया था, कैलरीज भी काउंट करनी है ना, उसके बाद खुद भी जाके खाऊँगा 8 अंडे और रात को तंदूरी, अगर पेट नहीं भरा तो रात को तंदूरी, बस यही है आज का जाएगा। अभी जा रहे हैं SKCC, सब लोगों को खाना वाना लेके कोक वोक लेके, क्योंकि वहाँ पे भी ये लोग वेट कर रहे हैं। आज के लिए आज का ब्लॉग खत्म, कल के ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।